चाय कौन बनाओगा बारिश में? टाड़ हो जाएगी, जरूरी है। और मजे में पानी पी कर हम मस्त रहेंगे। मैंने सोचा था चली जाके लानी है जीवन उसका पानी के हाथ में डालो, हाथ में पकड़ो तो जल जाएगी, बाहर निकाल दे तो मर जाएगी। तो बरसात क्या करो, शेयर कर दिया करो यारे प्यारे अपने, जो भी आजकल के टाइम पे अपने तो कोई है नहीं भाई, बट फिर भी यार यारे प्यारे जो भी है उनको शेयर कर दिया करो, ठीक है? तो चलो चाय पीते हैं। कल मैं कबड्डी खेला था और यहाँ पर चोट लग गई। भाई फरस पे कौन कबड्डी खेलता है, तू ये बता पहले। तो जनता जवाब मांगती है। कल आंसू लेके भोले के आगे रोन लग गया, मका बाबा हार गया तेरा लाडला, इब टूटन लग गया। छाती का लागे बोला नू बोलिया केरा हारन को रह दू, पहले था तू मेरी गोद में, अरे मेरी उंगली पकड़ के चालन लाग गया। हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज और हर हर महादेव। करते दिन की शुरुआत, सुबह के बज चुके हैं, एक मिनट लाइट के सामने आ जाऊँगा। सुबह के बज चुके हैं भाई 5:15 और आज मैं जल्दी उठ गया था 4:15 और देखो अभी भी आँख लाल हो रही है। और भाई चलो दिन की शुरुआत करते हैं, और बाहर बारिश का मौसम हो रखा, बारिश आने से पहले जो है पहले जिम चले जाते हैं, नहीं तो भाई बीच में लटक जाएंगे ऐसे ऐसे। तो पहले जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, फिर उसके बाद जो है आपसे मुलाकात करते हैं। चलो 5:30 का टाइम है भाई, देखियो 5:30 नहीं मतलब 5:20 हो रखे, वही लगा लो 5:30। बिल्कुल सुनसान है भाई इस टाइम, हमारे गाँव में तो चहल पहल होने लग जाती है, लोग यहाँ पे है ना लेट सोते हैं, लेट उठते हैं। हमारे गांव में तो सब निकल पड़ते हैं मॉर्निंग वॉक में खेतों की तरफ। मौसम बड़ा प्यारा हो रखा है, बस जब तक मैं जिम से ना आऊँ बारिश नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं ना वो नहीं लेके आया, छाता है नहीं, बाइक लेके नहीं आया, पैदल आ रहा हूँ। तो वर्कआउट करने के बाद पसीने आ जाएंगे और फिर बारिश आएगी ना, और वहाँ पर जिम के सामने पानी भी भरा पाएगा, क्योंकि रात को बारिश आई थी। मौसी बता रही थी कि बारिश आई हुई है, पर रात को बारिश आई होगी तो सड़क भी गिली गिली है। चलो भाई वर्कआउट करते हैं, चलो मिलते हैं वहीं पे। भाई जिम से आ चुका हूँ और टी शर्ट वही है, कैप्री चेंज कर ली है, और अभी जो है ना चाय बनाता हूँ, क्योंकि यार मैं टी लवर हूँ और मुझे ना चाय बिना कैसा रिफ्लेक्शन आ रहा है यार। हाँ अब ठीक है, तो चाय बिना ना रुका नहीं जाता, एक अंदर से वो होती है ना उड़क लग जाती है, वो लग जाती है। तो चलो पहले चाय बनाते हैं, मौसी को काय दुखी किया, मौसी ऊपर है तो एक कप चाय बनानी है, आप बना लेंगे क्योंकि घर पे भी तो मैं चाय बनाता रहता हूँ। तो दूध लेके आते हैं, कफ 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 कफ, ये रहा, छोटे से कफ में ही चाय बनाऊंगा यार, मैं ज़्यादा नहीं पीऊँगा अब, क्योंकि है ना मुझे बहुत, पहले मैं बहुत ज़्यादा पीता था, कम से कम 2 कप चाय आ जाती थी उसमें, लेकिन अब मैं ये छोटा ही बनाऊँगा। चलो भाई चाय बनाते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके नहाता हूँ, और फिर ज़्यादा मुझे फिर उसके बाद देखते हैं भाई जैसा भी होगा, और एक बार मंदिर भी जाऊँगा मत्था टेकने। और लाइट का थोड़ा सा फंडा है, क्योंकि मैंने ये छोटे वाली ऑन कर रखी है, तो जैसा भी आ रहा है झेल लियो, और फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी तो फ़ैन की आ जाएगी। और आई होप आपको जो है ना व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, और जो जैसे प्यार दे रहे हो ना व्लॉग को ऐसे ही प्यार देते रहो भाई, और वीडियो देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करना बनता है, तो सब्सक्राइब जरूर किया करो, शेयर कर दिया करो यारे प्यारे अपने, जो भी आजकल के टाइम पे अपने तो कोई है नहीं भाई, बट फिर भी यार यारे प्यारे जो भी है उनको शेयर कर दिया करो, ठीक है? तो चलो चाय पीते हैं। यहाँ रख दी भाई चाय, जी देखो इसको उबलने देते हैं, दूध भी साथ में ही डाल दिया क्योंकि एक ही कप बनानी थी मेरे को। गर्मी बहुत लग रही है, थोड़ी देर है ना पंखे के पास जाके बैठता हूँ। भाई साहब आज मेरा चेस्ट का वर्कआउट करके आया हूँ और काफ़ी मज़ा आया, और भाई आज मैं 5:30 मतलब जिम में पहुँच गया था, आज मैं जल्दी निकल गया था। तो देखता हूँ अभी यही रूटीन बनाऊँगा, 4:15
उठने का, सॉरी काय बोल गया, 5:45 उठने का और फिर 5:30 तक वहाँ पहुँचने का। तो भाई भी शायद तब आए ही थे, 5 मिनट हो गई, 5-7 मिनट, और मैं पहुँच गया था। फिर अच्छा वर्कआउट किया और आ गए भाई, कुछ है ही नहीं यार। और ये बताना कमेंट में कि ये ऐसे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं कि भाई कुछ मैं यहाँ बना रहा हूँ, क्योंकि मैं भाई देख वहाँ उजवा से दूर हूँ और कुछ मम्मी यार वहाँ अपना डेली रूटीन का जो भी करती हैं वो बना रही है, तो दोनों को मिक्सअप करके जो है आपके पास स्टोरी पहुँच रही है। तो बताना कमेंट में कि कैसा लग रहा है, और भाई शेयर कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब किया करो प्लीज़ भाई, प्लीज़ साथ दो यार, जल्दी से 2K करा दो, 2K सब्सक्राइबर करा दो, फिर एक छोटा सा केक काटेंगे। मैंने ना 1000 पे भी केक नहीं काटा था, मोनेटाइज पे भी केक नहीं काटा था, तो इस पे केक काटेंगे छोटे वाला। हेलो, अच्छा कहाँ से सुनाओ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ में डालो, हाथ में पकड़ो तो जल जाएगी, बाल निकालो तो मर जाएगी। एक और सुनाओ, बेबी शार्क तू वीडियो देखती है? वीडियो देखती है? नहीं बोलेगी। ये प्रीति लाग रही है अपना छोटा सा एक काम करन, और कहेगी मम्मी मैं बहुत काम क्योंकि मैं बर्तन में ना गुस्सा करूँ, मेरी आंगलियां में थोड़ा हा कट हो रहा है इस मारे में बर्तन ना करूँ। पकौड़े बना, बारिश में पकौड़े खाते हैं ना, मेट पे बनवाओगे चाय? आज भूमि बनाओगे चाय? है भूमि चाय नहीं आती क्यों? पहले तो क्या करते हैं, पहले पानी लेते हैं, चीनी पत्ती गिरते हैं, दूध भी पता है ना, चल गैस पे चल, रसोई में चल, आज तो बनाएगी चाय। मैं नहीं बनाने वाली। और कैसी बनी तो? चलो कोई ना, मैं पी लूंगी पक्का। मम्मी के दादा बनाऊंगे चाय, मैं दादा आकर रख ले चाय भाई, मैं दादा तक आऊंगी। दादा की करो भज्जा, दादा के गुलाटी मार आया, क्या हो गया दादा? कुछ ना हो, बाजा बाजा आया दादा, बारिश आवेगी तो। हाँ तो दादा चाय कौन बनाओगा? ठंडी हवा में बाहर बैठ जा। है दादा, दादा चाय कौन बनाओगा बारिश में? चार हो जाएगी जरूरी है, और मजे में पानी पी कर हम मस्त रहेंगे। मैं नहीं सोची थी मेरे दादा बनाओगा चाय, भाई दादा भी मना कर गया, भूमि बनाओगे आज। अच्छा तो बादली वाले मामा के घर जाएगी? मम्मी के मामा के जाएगी। मेरे को लगा तू वहाँ जाएगी जो दूर हरियाणा में मामा रहते हैं। कार्तिक पार्तिक तो रहते हैं। अच्छा मैं नहीं जानती ना भाई, कार्तिक पार्तिक कहाँ रहते हैं? क्या क्या नाम है तेरे मामा के बच्चों का? कार्तिक, हाँ पार्तिक, प्रतीक, पार्तिक, अच्छा प्रतीक, हनी, हाँ और गोलू। चल सुन सकता हूँ, कार्तिक, हनी, प्रतीक और गोलू। अच्छा उनके पास है। गांव में लाइट ना रहती? नहीं, एक बार तो है ना वो बड़ा सा खंबा नहीं होता जिसमें बहुत सारे कनेक्शन होते हैं पूरे गांव के लाइट के, वो हाँ। चल गया था बेटा। हरियाणा में तो आती ही नहीं है लाइट, लाइट नहीं आती, आग लग जाती है वो। हरियाणा में नहीं आती एक बार तो प्लॉट में आग लग गई, वहाँ पे दो गाय फंस गई थी। भूमि फिर तू वहाँ कैसे बिना लाइट के, ना पंखे ना कूलर? अरे वो वहाँ पे थोड़ी जो खेड़ी में नहीं आती बेटा, यहाँ पे भी नहीं रहती? नहीं आती है उनको तो, उनके इन्वर्टर की वजह से चलती है। अच्छा इन्वर्टर है, फिर ऐसे बोल बेटा इन्वर्टर। लेकिन ना वहाँ पे है ना बात खेड़ी वाले पे है ना इन्वर्टर भी नहीं है, तो है ना वहाँ पे पूरी रात है ना ऐसे ही सोना पड़ता है मच्छर के साथ।
और क्या फोन करा था, एक बार आग लग गई थी, फिर है ना सोनीपत से है ना फायर ब्रिगेड बुलाई थी, फिर तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी में बैठ के आ जाती वापस। वो थी ना क्या नाम था वो खेत जोतने के टायर से नहीं होते ट्रैक्टर के पीछे लगाते जो, नहीं झटका दे दिया, बुआ छुट्टी पड़ रही है और मैं मामा के घर जा रही हूँ, अब ये भी मुझे छोड़ के जा रही है मामा के घर। भूमि कब से पड़ रही है छुट्टी? नहीं पता, नहीं पता। काम कब देंगी मैडम? कल। वे तो सही में चले जाएगी मुझे छोड़ के? ईशु भी जा रही है? नहीं, एक महीने, फिर ये 2 महीने की है ना तो 1 महीने वहाँ पे रहूँगा, फिर ऐसे मुझे छोड़ देना जब ईशु चली जाएगी। भाई अब ये जा रही है, इसकी स्कूल की छुट्टी होने वाली है, टाटा बाय बाय करेगी 1-2 दिन में, है ना भूमि? लंच यहाँ पे खाने तो आया था ना, घर पे खाया था ना मैंने घर पे लंच। आप लंच लेके जाते टिफिन में? नहीं, टिफिन में नहीं लेके गया। कबड्डी भाई फरस पे कौन कबड्डी खेलता है तू ये बता पहले तो। जनता जवाब मांगती है। मैं दोस्त बोल रहा था, मैं मना कर रहा था, ऐसे मैं धक्का लेके जाता इतने लात उड़ा दी और मैं यहाँ पर। क्या क्या करके आया जिम में? जिम में क्या कहते हैं वो स्टेयर वाला वो होता है ना, स्टेयर चढ़ी है? हाँ स्टेयर चढ़ी। रनिंग नहीं की? रनिंग भी की थी। हाँ रनिंग वाला, वो रनिंग भी करा था, वॉकिंग भी करी थी, डंबल उठाए थे और क्या कहते हैं उसको साइकिलिंग करी। ओ घर की डंबल भी उठाई उसने, घर की डंबल उठाए। मैंने इस वाले हाथ से नहीं उठाया, मैंने इस वाले हाथ से उठाया क्योंकि इस वाले में चोट भी तो लगी। कोई नहीं गार्गी, अब तेरा क्या कहना है, तुझे कहाँ जाना है? बोलो बोलो, ये बहुत शर्मीली है। बोलो बोलो गार्गी। नहीं भाई ये नहीं शर्माती, ये तो बहुत अच्छे अच्छे गाने भी गाती है, पोएम भी सुनाती है। चलो एक गाना सुना दे फिर आज पब्लिक को। भाई पोएम सुन ली, हनुमान चालीसा सुन ली, आज गाना सुने। चलो भाई गार्गी। जानिक बसुदे नु चहल बने हा तेरी हे बाबा, मैं पूरे नु आना सी हो नहीं आया तक। दूसरा सुनाओ भाई, दूसरा मजा नहीं आया पब्लिक को, ऐसा सुनाओ जो पब्लिक सुनने के बाद डांस करने लग जाए। अच्छा हाँ, कोई मस्त वाला जिसपे तू डांस करती है, कोई तो होगा। अरे कोई जिस पे तू डांस करती हो भाई, बोल मत भाई, इसके सील देंगे ऑटो को। ठीक है जल्दी बता कौन सा गाना सुना रही है जल्दी। अरे सुना दे भाई, वो वेट कर रहे हैं, चले जाएंगे, वो भाग गए, बुलाओ, रुक कर आवाज लगा, आ जाओ। चलो सुनो, देखो चाय बन गई, रख दो बस यही रख दो, जल्दी सुना भाई, जो जिस पे तू कल डांस कर रही थी वो वाला सुना दे। चल बैड बॉयज वाला सुना दे। वो सुना वो अच्छा था, गाड़ी पीछे गाड़ी रखे, अरे अच्छा था। तो और कौन सा सुनाएगी? पतली। हाँ चलो पतली। हाय हाय हाय, तेरी पोयम है, इसमें एक पोयम बनाई है, अभी सुनाएगी। इसको बीच से हटाओ, इसको पीछे करो। तो चलो भाई चाय बन गई है, चाय पीते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं। आए रुक जा, चाय पीने दे मेरे को, क्या करेगी? जल्दी टाइम देख, छोड़ियो एक बार, पब्लिक गिर गई चाय में, उसको निकालते हैं, वो जल गई।